सावन में जरूर सुने काशी विश्वनाथ की कथा। क्या इस मंदिर में दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? कैसे काशी में स्थापित हुआ सातवां ज्योतिर्लिंग? काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थापन है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर बाबा भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सातवां ज्योतिर्लिंग है। विश्वनाथ को सप्तम ज्योतिर्लिंग कहा गया है। मान्यता है कि काशी नगरी तीनों लोकों में सबसे न्यारी नगरी है। यहाँ पर शिव जी का त्रिशूल विराजित है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। आपको बता दें कि इस ज्योतिर्लिंग के पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शंकर से विवाह करने के लिए बहुत तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह कर लिया और उसके बाद वो कैलाश पर्वत पर आकर रहने लगे। लेकिन माता पार्वती विवाहित होने के बाद भी अपने पिता के घर ही रह रही थी, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसी सिलसिले में एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, मुझे विवाह करने के बाद अपने पति के घर में रहना है। आपसे विवाह होने के बाद भी मुझे अपने पिता के घर ही रहना पड़ता है। यहाँ रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सभी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर ही रहती हैं, लेकिन मुझे अपने पिता के घर ही रहना पड़ रहा है। ये सब सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती की बात को स्वीकार कर लिया और वह उन्हें अपने साथ अपनी पवित्र नगरी काशी ले आए। यहाँ आकर वो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अगर कोई भक्त प्रतिदिन उनके दर्शन करता है तो उसके योग क्षेम का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त शिव शंकर के इस धाम का अधिकारी बन जाता है। साथ ही शिव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। मान्यता तो ये भी है कि भगवान विश्वनाथ स्वयं अपने परम भक्त को मरते समय तारक मंत्र सुनाते हैं। एक और कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में बहस हो गई कि कौन बड़ा है। विष्णु भगवान स्वयं को बड़ा कह रहे थे तथा ब्रह्मा जी भी स्वयं को। तभी वहाँ एक स्तंभ की उत्पत्ति हुई और आकाशवाणी हुई कि जो भी स्तंभ के छोर को ढूंढेगा वही बड़ा माना जाएगा। तब ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस के ऊपर बैठकर स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढने निकले और विष्णु जी निचला छोर ढूंढने निकले। तब स्तंभ में से प्रकाश निकला और उसी प्रकाश में भगवान शिव जी प्रकट हुए। बहुत ढूंढने के बाद भी दोनों को छोर नहीं मिला, जिसके बाद विष्णु जी ने स्वीकार किया कि मैं अंतिम छोर को नहीं ढूंढ सका। लेकिन ब्रह्मा जी ने स्वीकार नहीं किया और झूठ कहा कि मैंने खोज लिया। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए और अपनी पूजा करवाने के लिए झूठ बोला था। कहा जाता है कि तब से उस स्थान पर शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।